हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंघाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। इससे पहले मैंने पारो वाली वीडियो डाली थी, आप लोगों को कैसी लगी? जिसने वो वीडियो नहीं देखी है भाई, जरूर देखना। उसमें हमने, मेरी पूरी फैमिली ने स्टोरी बताई है, जो हमारा एक डॉग था, अमेरिकन बुल्ली, फॉक्सी नाम था। जिन्होंने देखी उसको पता चल गया उसका क्या नाम था, जूनियर फॉक्सी नाम था। वो हमारे साथ नहीं रहा, तो उसकी पूरी स्टोरी बताई हमने, और कैसे पारवो से बचना चाहिए, पारवो वायरस कितना खतरनाक है। तो उसका लिंक आ रहा होगा, अभी खोल लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। पहले वो वीडियो देखो, फिर इसमें आना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को, जैसे आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा, कि मैं ये बताऊंगा कि ऑलमोस्ट कितना खर्चा होता है कि अगर आप एक रॉटवाइलर पालो, जीरो से लेके मतलब सारे खर्चे बताऊंगा, ए टू जेड, जो जो खर्चा थोर का होता है। वैसे आज तक हमने गिना तो है नहीं, कभी नहीं गिना। आज मैं मम्मी को कह, मम्मी आप प्लीज गिन लो एक बार, हिसाब लगा के बता दो एक बार, बस थोड़ा सा। बहुत लोगों ने पूछा है, तो मम्मी और पता है ऐसे कहते हैं कि ये को बताने की बात है कि खर्चा है, अब बच्चे का खर्चा कौन गिनता है। पर फिर भी मैंने कहा कि इंसिस्ट करा कि प्लीज आप एक बार बता दो, हमारे सब्सक्राइबर्स डिमांड कर रहे हैं, कई लोगों को मदद हो जाएगी। तो उन्होंने फिर सोचा होगा, देखो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, पीछे चलते। अभी खाना खाए, खाना मैंने आपको दिखाया नहीं पर वो मैं खा गया, मुझे भूख ज्यादा लग रही थी। चलो बस चलते हैं, चलो। हाँ। मम्मी आपकी मदद चाहिए हमें, इस वीडियो में बताना है कि थोर का कितना खर्चा आता है महीने का। मुझे क्या, हम भाई बहन का रिश्ता इतना खतरनाक है ना। बस भाई बहन तो है ही नहीं, भाई भाई है हम, एक तीसरा और आ गया भाग्य 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 थोर पकड़ी से पकड़ पकड़ थोर पकड़ो उसे, चल थोरू भाई, इसमें जान पूरी आ रही है थोर की, बोल लागी थोरू थोरू। ओए थोर, ये ले तेरी बोलनी चाहिए तेरे को, ये तो खतरनाक बोल तेरे को नहीं चाहिए तेरी, ये ले मम्मी मम्मा। चलो आप अब इसके ना वीडियो में खर्चा बताना कितना होता है, पर एक बार इसको थोर के पहले बोल दिखा दूं। चलो अब मम्मी आ गई है, कॉफी तो पी लेगी बाद में, पहले बता दो इसका कितना खर्चा होता है, वीडियो खत्म कर लिया। हाँ मम्मी बताओ, इसका थोर का मंथली कितना खर्चा होता है? वैसे मैंने बता दिया कि मम्मी ने कहा था बच्चों का खर्चा थोड़ी बताते हैं, कोई ऐसा थोड़ी होता है, हमने खर्चे के लिए रखा है ये, पर फिर भी मम्मी लोग पूछ रहे हैं तो बता दो आप। थोड़ा मुंह पे स्माइल, मम्मी उदास नहीं है भाई, मम्मी अभी नहा के नहीं सो के उठी है मेरी प्यारी सी मम्मी है। बताना मम्मी इसका क्या खर्चा, कितना क्या होता है? मैं वैसे बता देती हूँ, जैसे 1.5 किलो एक दिन का दूध रहा है इसका घर में। हाँ, मतलब दूध तो हर जगह के हिसाब से अलग अलग रेट होगा। हाँ, है ना, जो भी सिस्टम हो आप अपना हिसाब लगा लेना। और महीने में इसको माँ एक बार वो दूध का ये बता दो, दूध डायरेक्ट नहीं देते हम, उसका पनीर। हाँ, दूध का मतलब ये है कि इसको पनीर और दही। हाँ, उसका पनीर बनाते हैं और दही देते हैं ना। हाँ, दो टाइम तो पनीर है ही है, ठीक है, और कम से कम दो टाइम इसकी दही है, ठीक है। और ट्यूजडे को तो इसका पाया पनीर अलग से आता है। हाँ, क्योंकि नॉन वेज नहीं आता ना ट्यूजडे को हमारे घर में, तो महीने में 4 दिन इसका अलग से पाई अपनी रहता ही आता है, ठीक है, जिसकी स्लाइस बना के रात को इसको बड़े नकले से खाना खिलाना पड़ता है। अच्छा, और बताओ मम्मी क्या खर्चा इसका? और तो क्या, स्नैक्स अपनी मर्जी से खिलाओ, कैल्शियम की लेती हूँ इसकी, बोन्स। हाँ, मारू दिखाना डब्बा, फिर भी मम्मी एक बार मोटे मोटे हिसाब तो बताओ ना, नहीं जोड़ सकती है मेरे पास की। चलो आप चीजें बता दो क्या क्या देते हो इसका, बोन दिखाना डब्बा। एक बोन तो होती है टाइट हड्डी, वो नहीं, इसकी छोटी जो सॉफ्ट बोन्स होती है, कैल्शियम, कैल्शियम थोर थोरी कैल्शियम खाएगी बेटी, थोरो कैल्शियम खाए तेरी, वो ड्रोन के पास आता है, कैल्शियम वाला डब्बा दिखाना थोरो, नहीं है खत्म होगी बोन तो, कोई नहीं डब्बा दिखा दे, लोगों को पता चल जाएगा ना कौन सी बोन। वो देती हूँ मैं इसको शाम को डेली, वो पता नहीं कितने रहता पापा लेते हैं। अच्छा चलो एक बोन पनीर देते हो, और मम्मी और सारा खर्चा बताओ ना, चिकन वगैरह हर चीज यार, खाने का इसका कितना बजट है? मतलब 4 बार तो मिनिमम है ही है, जा कई बार 6 बार तो मैं 4 बार 1 किलो चिकन आता है एक बार में, इसका मतलब ये है ना। तो मतलब 4 किलो से 5 किलो के बीच में एक महीने का इसका चिकन आता है। अंडे मम्मी क्या यार, आप ध्यान नहीं, अंडे तो खत्म ही नहीं होते, इसके कैरेट आते हो रखे
वो ऊपर रखे देखो भाई। नहीं तो ये बताओ कितने देते हो? मतलब जैसे गर्मी आ गई ना तो दूध डेढ़ हो गया इसका। हाँ। और अंडे इसके 4 देते, 200 और ठंड में कितने देते थे? ठंड में इसको 8 अंडे देते थे। ठीक है, और क्या देते भाई? रोटी राटी का तो क्या खर्चा कैसे बताओ? रोटी ऐसे है जैसे ये वाली बोन देते हैं, ये वाला डब्बा था भाई इसका। ठीक है, भाई ये कोई स्पॉन्सर नहीं है हमारा ना मैं तो सेप जैसे कैल्शियम की सेप है देखो इसके ऊपर, वो तुम देख लेना था बारा तो। अच्छा, और मैं और आटा बताना कैसा है? आटा मैं ऐसे करती हूँ, माने छोला दिखाना, छोले का पैकेट इसका बेयर है अगर करा तो ना रहा, इसी बोला छोले सोयाबीन दे दे। इसको डब्बा कितना पसंद है? इसको पता है ये फ्लोर के पास पहुंच जाता है। थरो ऐसे ना फुट के बैठे थोली बेटे। महीने में 2 किलो छोले और 1 किलो सोयाबीन लग जाता है। अब जैसे पहले तो मैं इकट्ठा भिगा देती थी इसका। ठीक है, अब गर्मी आ गई तो इसकी वह एक बाल्टी एक बार में मतलब आधा किलो छोले और पाया कैल्शियम इसका मेरे अब तक आटा चलता हूँ। एक अब तक आटा बनाती हूँ इसका, क्योंकि एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स बता दो लाइन में कि मतलब आटा अपने वीट का आटा गेहूं का। हाँ गेहूं का बता दिया मैंने, देख वो बाल्टी रखी ब्लू कलर वाली, देखो वो ब्लू कलर वाली। हाँ, 5 किलो की होगी मुश्किल से। ठीक है, कमी होगी उसमें क्या है, आधा किलो छोले। ठीक है, और ये जो इसका पाया मान ले पाया सोयाबीन। ठीक है, और बाकी। ठीक है, तो ये आटा भाई, दही पनीर बता दिया, दाल भी डाल सकते हो। मेरा मन करता है मैं कोई डाल देती हूँ, दाल जिसमें ज्यादातर मूंग डालती हूँ। ठीक है, दही पनीर बता दिया, अंडे बता दिए, और आटा ये हो गया, और चिकन हो गया। और जैसे कई बार है ना बोर हो जाता खाना खाते, आटे वाले ब्रेड भी खिला देती हूँ दही में। जैसे आज भी इसने खाना नहीं खाया, वो रखा इसका वो शाम को हो गया खिलावा। तो फिर मैंने स्कूल से आने के बाद इसको आधा पैकेट ब्रेड का और आटा वाले और एक बाउल दही का वो मिला है। अच्छा, तुम्हें एक बार मोटा मोटा खर्चा बता दो इसका कितना हिसाब है? देख चलो आप लगाओ हिसाब। लगा। नहीं आप लगा के हल्का सा बता दो ना अमाउंट यार, अरे वीडियो के थंबनेल में लगा दूंगा। 180 रुपए का तो ये आता है, कभी 170 180 का अंडे की कैरेट आती है। और ये मुश्किल से इसकी 1 वीक भी नहीं चलती, 3-4-5 हाँ ये भी 1 वीक चला है। हाँ। सर्दियों में तो इसकी 4 दिन चलिया करती। ठीक है, तो आप 1 वीक चल जाती इसकी, 4 तो यही होगी समझ। 4 कैरेट मान लो, 4-5 होगी, 4 मान लो गर्मियों की, 4 होगी। ठीक है, सर्दियों में तो 7-8 हो जाती, दूध किलो हो जाता है इसका, दूध किलो हो जाता है। अब दूध लगा ले, दूध का भाव बता देती हूँ मैं। दूध का भाव तो ना बताओ, बता रखे है लोगों ने। दूध का भाव तो पता ही है। बाकी ये कि भाई जैसे बच्चे को अब जो छोटू घर में बच्चा होता नहीं खाना खाता, तुम 70 चीज खिलानी पड़ती, इसको ये खिला दिया वो खिला दिया। अब इसके स्नैक्स ले रखे मैंने उसमें खोल गया। हाँ वो अलग से वो चीजें तो आपकी मतलब वो ट्रीट्स वगैरह भाई वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी दे रहे हो, किस क्वालिटी की दे रहे हो, कौन से मतलब कि ब्रांड की दे रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये खीरा भी खाता हमारे साथ, फ्रूट भी वो ये चीजें तो गिनी नहीं जाएगी यार, खिला सकते हैं पर आप एक चीजें गिन नहीं पाएंगे ना। तो मोटा मोटा मैं ये हिसाब लगा के थंबनेल में लगा दूंगा नंबर, बाकी आप देख लेना। तो हुई हेल्प या नहीं हुई आप लोगों को बताना कमेंट सेक्शन में, जरूर बताना, और स्टे कनेक्टेड फॉर द डेली ब्लॉग्स, जल्दी आने वाले हैं ये। ओके, बाय बाय।